ये चीजें देखता हूं मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने ये मेरा संकल्प है। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है, और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, यानी मोदी की गारंटी म्हणजे गारंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गारंटी। अब ये लाखों रुपये के घर आपकी संपत्ति है। मैं जानता हूं जिन जिन परिवारों को ये घर मिले हैं उनकी अनेक पीढ़ियों ने बेघर रहते हुए इतने तरह के कष्ट झेले हैं। मुझे विश्वास है इन घरों के साथ कष्टों का वो कुचक्र टूटेगा और आपके बच्चों को वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो आपने देखा है। 22 जनवरी को जो राम ज्योति आप जलाएंगे वो आप सभी के जीवन से गरीबे का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे यही प्रभु राम से मेरी कामना है।
और मैं देख रहा था, अभी जुस्सादार भाषण सुन रहा था अदाम जी का, मुझे खुशी हुई कि 2019 में जब मैं मिला था तो वो काफी पतले थे। आज देखिए फल खा खा करके हैं, सफलता के फल, काफी वजन बढ़ा है और ये भी मोदी जी गारंटी का परिणाम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ये मकान आपको मिल रहे हैं, जीवन की शुरुआत हो रही है, तो मेरा यही भाव है, आप ले जीवन सुखाने भरुण राहो, हीच राम प्रभुची इच्छा आहे। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। जनता जनार्दन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। साथियों, घर ना होने की वजह से, शौचालय ना होने की वजह से गरीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी। और इसलिए सबसे पहले हमने गरीबों के घर और शौचालय के निर्माण पर ध्यान दिया। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीबों को दिए। वो सिर्फ शौचालय नहीं है, हमने इज्जत घर दिया है, मेरी माताओं बहनों की इज्जत की गारंटी दी है। हमने 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए। आप सोच सकते हैं, जिनको यहां घर मिला है पूछ लीजिए, जीवन में कितना संतोष है। ये तो 30,000 है, हम 4 करोड़ को दे चुके हैं, कितना संतोष होता होगा। 2 प्रकार के विचार रहते हैं, एक राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर, हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक, हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने, ये मेरा संकल्प है।